जिस पर गुजरती है ना वही जानता है कि दर्द क्या होता है। दूसरों की तकलीफें बाहर से देखने में कोई खास परेशान नहीं करती, हाँ जब अपनी पर आ जाती है ना इंसान को सब याद आने लगता है। खैर जिंदगी है और यहां ऐसा ही होता है। यार कितना मुश्किल है ये चेहरे पे चेहरा होल्ड लेना, कैसे कर लेते होंगे यार दूसरों का किरदार निभाने वाले लोग। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ पाया कि मैं जो करता हूं उसके अलावा भी क्या कुछ कर सकता हूं। कुछ लोग होते हैं ना वो जो नहीं होते वो दिखा रहे होते हैं और वो बनने का ट्राई करते हैं जो उनसे कभी हो नहीं पाएगा, ऐसे में वो खुद को भूल जाते हैं। मैं जिंदगी में सब कुछ कर सकता हूं पर खुद को नहीं भूल सकता यार। तुम हो क्या ऐसे जो दूसरों के किरदार उड़ते हो या खुद का एक? पता है माँ बाप का होना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपके माँ बाबा आपके साथ है, वो कुछ ना भी कर रहे हो ना, बस आपको घर में दिख रहे हो, आपको लगेगा कि यार अभी कोई सहारा है जो मुझे संभाल लेगा हमेशा। इसलिए कदर किया करो माँ बाप की। जिनके माँ बाप नहीं होते उनसे पूछो कि क्या अहमियत है उनकी। देखो यार एक लाइफ है अपने पास, उस जिंदगी में भी सिर्फ दूसरों की सुनी, उनके हिसाब से चले, उनके हिसाब से किया, तो यार क्या फायदा फिर इस जिंदगी का। तो इस जिंदगी में जो दिल कहता है वो करो, जिसे चाहते हो उसे पाओ और अपनी ख्वाहिशों और सपनों के पीछे जरूर दौड़ो। दोबारा ये चांस नहीं मिलने वाला इस जिंदगी में, ठीक है? कि जिसके रस्ते में उतर जाने का धड़का लगा रहे वो कभी हम सफर नहीं होता। वाह वाह वाह। और कोई आपको दुख देकर खुश हो जाए तो उससे दुख लेकर खुश हो जाओ और उसे सलाम करके कहो आप हमारे नहीं जनाब तो हम भी आपके नहीं। व्हाई डोंट यू मेक एन इक्वेशन? रोंदे क्यों? रोवो ऐसे गलते कैसे बेवफा ना मोहब्बत कर ली से वो छाड़ के चला गया होते ना रो। इज नॉट वर्थ इट। सस्ते लोगों वास्ते महंगे आंसू नहीं भाई देख दी। ये गाल पे क्या हुआ आपको? सुबह बॉल लग गई थी अम्मा। अम्मा ने पूछा तो बताया क्यों नहीं? उनको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ पापा। आप मुझे लगता है रोना गलत बात नहीं है। कौन कहता है कि रोना कमजोरों की निशानी है? रो करके तो आप अपने दिल के गम को हल्का कर सकते हैं, लेकिन रोना वहीं अच्छा है जहां सामने वाला आपके आंसुओं की कद्र करे। पता चला आप उस इंसान के सामने रो रहे हो जिसके लिए आपका रोना एक तमाशा है, वो तो एंटरटेन होता रहेगा आपके रोने से, लेकिन आपके आंसू बर्बाद चले जाएंगे मेरी जान।